स्पेशल लेक्चर लेके आपके लिए, जिसे बोलते हैं तबलीगी जमात। तबलीगी जमात आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रहा है इंडिया में। उसका रीज़न ये नहीं है कि बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्ट है या बहुत बड़ा रिलीजियस मीटिंग करते हैं। इनके न्यूज़ में रहने का सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने गवर्नमेंट की चीज़ों को इग्नोर करके, कोविड-19 के समय लगे इमरजेंसी को भूल कर अपनी मीटिंग करने की कोशिश की। जब कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, तो तेलंगाना से एक खबर आई अचानक से लास्ट मंडे को कि तेलंगाना में 6 लोग मर गए। और वो क्यों मरे? क्योंकि दिल्ली में एक रिलीजियस मीटिंग हुई थी, वहाँ को अटेंड करके वो वापस गए थे। अब इनकी डेथ के बाद क्या हुआ? तबलीगी जमात सबके दिमाग पे चढ़ गया। अब जब वहाँ गए तो एक वहाँ पे प्रोग्राम होता था जिसमें 400 से करीब लोग शामिल हुए, जिसमें से तेलंगाना के 6 लोग मर चुके हैं, बाकी कई लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। कहा यह जाता है कि इसमें जितने लोग शामिल थे उसमें तकरीबन 200 से ऊपर लोगों को कोरोना होगा। ठीक है, अब जिस कार्यक्रम में पहुँचे थे उसको बोलते हैं मकरज तबलीग जमानत। ठीक है, मकरज तबलीगी जमात और मकरज और तबलीगी जमात दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं बेटा। अगर आप मकरज की बात करेंगे तो मकरज जो होता है वो अलग है, तबलीगी अलग है, जमात अलग है। तबलीगी का मतलब अगर आप देखेंगे तो वो होता है जो गॉड होता है उसके मैसेजेस को स्प्रेड करने वाला, और जो जमात वर्ल्ड है वो होता है ग्रुप, समूह, मतलब कई सारे लोगों का एक साथ रहना। और मरकज जो प्लेस होता है बेटा, मरकज एक प्लेस होता है जहाँ पर मीटिंग की जाती है। मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अल्लाह की चीज़ों को स्प्रेड किया जाएगा ग्रुप में रहकर, एक पर्टिकुलर मीटिंग में। जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग होते हैं वो इस्लामिक परंपराओं को मानते हैं। मतलब समझिएगा यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो जो होता है वो इस्लाम या अल्लाह की बात करते हैं, वो इनकी बातों को फॉलो करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा इस्लामिक मूवमेंट माना जाता है, और आज की डेट में इसमें तकरीबन 15 CR लोग जुड़े हुए हैं जो साद साहब को फॉलो करते हैं। इसकी स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे तो अभी अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसलिए आया था कि जो रिलीजियस प्योरिटी है उसको बनाया जा सक रखा जा सके और उसी में लोग रहें। और कई बार ऐसा हुआ कि इससे पहले ये था कि मुगल काल में जितने भी लोग थे उन्होंने इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर लिया था, फिर वो हिंदी में लौट हिंदू रिलीजन में वापस लौट रहे थे। आर्य समाज एक आया, उसने हिंदू के शुद्धिकरण प्योरीफिकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, इस्लामिक एजुकेशन को लोगों को स्प्रेड करना ज़रूरी था कि भाई इस्लाम इतना बुरा नहीं, क्या आप इससे वापस जा रहे हो। तो 1927 में मोहम्मद इलियास ने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, और इसके 6 उसूल बनाए गए थे, कलीमा, सालत, इल्म और इकरम मुसलिफ, खले नियत, दावो सब्र, ये सब हैं। तो आज ये 213 देशों में फैल चुका है। अभी अंदर मैं आपको इसकी टीचिंग बताऊंगा। तबलीगी जमात जो है बेटा, कई सारी जमातें निकलती हैं, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 4 महीने, और एक जमात जो होती है बेटा उसमें 8 से 10 लोग शामिल होते हैं। 2 लोग सेवा करते हैं जो खाना पीना बनाते हैं, बाकी लोग सुबह से शाम तक शहरों में निकलते हैं, मस्जिद के पास रहते हैं और सुबह 10 बजे से हदीस पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ रोज़ा रखने पर जोर देते हैं, हर इलाके में जाकर अपने धर्म के बारे में बात करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। पहली मरकज बेटा 1927 में हुई थी। ठीक है, जब हुई थी 1927 में स्टार्ट हुआ था तो इसकी पहली मरकज 14 साल बाद हुई थी 1941 में, जिसमें 25,000 लोग आए थे, और यहीं से दुनिया में फैल गया। और काफ़ी जगह दुनिया की है जहाँ पर ये फैला हुआ है और वहाँ पर इसके काम होते हैं। अब इसके न्यूज़ में आने का बेटा बेसिक रीज़न सिर्फ ये है कि ये इसने कई सारी बेसिक फ़िलासफ़ीज़ को फॉलो नहीं किया, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को इग्नोर किया। तो आपके एग्ज़ाम, जर्नल लाइफ, जर्नल मीटिंग, जर्नल पब्लिक में खड़े होकर आजकल कई लोग तबलीगी जमात की बात करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो आप थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये तबलीगी जमात है क्या, मोहम्मद साद हैं क्या, आखिर ये क्यों न्यूज़ में है, ऐसा क्या हुआ कि इसे न्यूज़ में रखना ज़रूरी हो गया। मैं आज भी मानता हूँ कि एक ऐसा रिलीजियस प्रोग्राम है जो रिलीजियस होता वेल एंड गुड था, बट जब सारे मंदिर, सारे टेम्पल, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे बंद करने की बात की गई तो यार तुमको मीटिंग करने से अच्छा था घर पे बैठते। ये जो काम किया गया है ये थोड़ा गलत है, इसके चक्कर में इसके साथ दिक्कतें चलेंगी। ध्यान रखिएगा ये सुन्नी रिलीजन से रिलेटेड है, मुस्लिम्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, शिया और सुन्नी। तो ये जो है बेटा सुन्नी है,
आइए इसकी अगली स्लाइड पे चलते हैं जहाँ से हम आपको इसको समझाना स्टार्ट करेंगे। तबलीगी जमात जो है बेटा, मैंने आपको जैसे बोला कि ये एक ईसाई मिशन है और इसमें सॉरी इस्लामिक मिशन है। इस्लामिक मिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस मिशनरीज़ और इस मूवमेंट में हम किसके बारे में बात करते हैं, जो इनके मोहम्मद साहब थे पहले, इनके प्रॉफिट साहब, उनकी जो लाइफ टाइम में टीचिंग्स थी उनके बारे में बात करना, कैसे रिचुअल्स होने चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और आपका कैसा पर्सनल बिहेवियर होना चाहिए। इसके तकरीबन आपको मैंने बोला 12 मिलियन के आसपास हैं वर्ल्ड वाइड, तो मान लीजिए 15-16 करोड़ इनके लोग हैं। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तकरीबन 180 से 200 कंट्रीज़ में फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा रिलीजियस मूवमेंट है 20th सेंचुरी का। इससे बड़ा रिलीजियस मूवमेंट अभी तक इस्लाम का 20th सेंचुरी में कोई नहीं आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके स्टार्टिंग की अगर आप बेटा बात करेंगे तो ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ, बेटा ये मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ मोहम्मद इलियास अल खंडालवी के द्वारा मेवात रीजन में, ठीक है, मेवात रीजन इंडिया का है, वहाँ पर इन्होंने इसे स्टार्ट किया। और जब ये बेटा बिगेन हुआ तो ये देवबंदी मूवमेंट जो था उसके और उसके रिस्पॉन्स और मॉरल वैल्यूज़ और निगलेक्ट करने में इस्लाम के पीछे था, ये इस्लाम को एक तरीके से मॉरल वैल्यूज़ देने की बात कर रहा था, स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन की बात कर रहा था, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बात कर रहा था। तो इन्होंने अपने 6 प्रिंसिपल्स दिए जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ पहले भी, इन 6 प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करते थे। अगर आप इस्लामिक हैं, आपको लगता है कि आपको ये प्रिंसिपल्स पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, तो मैंने अगली स्लाइड्स में इन्हें समझाया है। ये बेसिक 6 प्रिंसिपल्स थे बेटा, जिसमें पहला कलीमा था। कलीमा होता है बिलीव इन कन्वेंशन। इन्होंने कहा देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह इज़ अ सेक्रेट प्लेज ऑफ अ मैन विद गॉड। इन्होंने कहा कि यहाँ पर और कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है जो सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। आपको अपने आप को परफॉर्म करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने अफेक्शन को, किस लिए, फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अपने समाज को सुधार सकते हो, कैसे खुद को सुधार सकते हो। फिर नमाज, नमाज मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसे नहीं पता हो। प्रेयर की बात की, इन्होंने कहा भैया मटेरियल वर्ल्ड केल्स और इन सब चीज़ों से फ्री रहना है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेयर करनी चाहिए। इसके बाद इल्म, नॉलेज विद रिमेम्बरेंस, इसमें हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएशन कर सकें कि क्या परमिसेबल है, क्या इनपरमिसेबल है, क्या प्योर है, क्या इम्प्योर है, क्या लेजिटिमेसी है, क्या इनलेजिटिमेसी है। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, भगवान हमसे क्या चाहता है, हम क्या देना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। इनर कॉन्शियस की अवेयरनेस होना चाहिए, हमारा रियल रिलेशन होना चाहिए, जितना नियर बाय रिलेशनशिप होगा, जितनी भगवान की हमारे पास नॉलेज होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो उस पर ये सारी बेसिक चीज़ें आपको दे रहे हैं। इसके बाद बेटा आता है इकराम मुस्लिम, है ना, ऑनरिंग मुस्लिम, जो होता है आपके मुस्लिम भाई बहन हैं उनको बहुत इज्जत सम्मान मान से देखो, उनके राइट्स के बारे में सोचो, डीपली कंसर्न रहो, आपकी ड्यूटी है ये। इसके बाद सियाह साहिह है ना, नियाह ओनली फॉर गॉड, सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन, रिपरफॉर्मिंग वन ऑफ द लाइफ, सप्लीफिकेशन ऑफ गॉड बाय परफॉर्मिंग एवरी ह्यूमन एक्शन फॉर द शेक ऑफ गॉड। जो भी आप काम करोगे भगवान के लिए करोगे, अपने गोल्स हैं कि खुद को बदल लो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। इसके बाद दवा या तबलिक, तबलिक व इन्विटेशन ऑफ कन्वेंस इन्वाइटिंग एंड प्रीचिंग, यहाँ पर भगवान की नॉलेज को फैलाने की बात है, सबके चीज़ें पहुँचाने की बात है। इन सारे 6 एट्रीब्यूट को फॉलो करना चाहिए लोगों को ताकि वो अपने को हेवन में सेफली ले जा सकें या जन्नत पा सकें। हिस्ट्री की बात करेंगे तो तबलीगी जमानत जो है बेटा ये देवबंदी मूवमेंट के बाद स्टार्ट हुई और इस्लामिक बातें इसमें हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल हेजमनी है, मराठा एम्पायर जब कंसोलिडेट हो रहा था तो मुस्लिम्स को अपनी चीज़ों को देखना था, उन्होंने कोशिश की एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो। तबलीगी जमान बहुत क्लोजली आया है ना, राइज वेरियस हिंदूज मूवमेंट ऐसे चले थे, सुद्दी मूवमेंट, संगठन मूवमेंट, इसके अगेंस्ट उनको भी ज़रूरत थी क्योंकि जो मुस्लिम्स में कन्वर्टेड थे उनको हिंदू में दोबारा कन्वर्ट किया जा रहा था। मोहम्मद इलियास ने बेटा इसे फाइंड किया था, ये एक बार पिलग्रिम मक्का गए, वहाँ से लौटे थे, उन्होंने कहा जो स्कॉलरली लर्निंग है, जो करिश्मा है, वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं, बट क्या था वो बहुत अच्छा बोल नहीं सकते थे तो इन्होंने इसको छोड़ा। इसके बाद ही इनिशियली ट्राई टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क, मॉस्क के अंदर इन्होंने रिलीजियस स्कूल डाले है ना, एजुकेट द मेवाती मुस्लिम अबाउट इस्लामिक बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, वो मेवाती मुस्लिम्स को
इस्लामिक बिलीफ और प्रैक्टिस पढ़ाना चाहते थे, बट इसे बाद में पता चला कि रियलिटी कुछ और है। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक ही काम करते हैं, रिलीजियस फंक्शनरीज पढ़ा सकते हैं, है ना, बट वो प्रीचिंग नहीं दे सकते। फिर तबलीगी जमाना डिनाइज एनी एफिलिएशन। आज तबलीगी जमाना जो किसी भी पॉलिटिक्स या किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, ये कुरान के बारे में और हदीत के बारे में बात करती है। ग्रुप के जो एक्सपेंसेस हैं वो नॉन वायलेंट हैं। ये जो ग्रुप है ये खुद एक्सप्रेस करती है कि नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी है इसकी। ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो वो जाहिर सी बात है कोई प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है। फ्री फ्लोटिंग रिलीजन है, इनका कोई स्पेशल लीडर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इट कीप्स इट डिस्टेंट फ्रॉम मास मीडिया। ये कोई भी अपनी डिटेल पब्लिश नहीं कराती, एक्टिविटीज़ नहीं करती, मेंबरशिप से दूर रहती है, मीडिया से दूर रहती है। ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सेंट्रल हेडक्वार्टर इनका जो है ना कॉल्ड मरकज है, जबली मेंटेन। इनका खुद के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जिसे निजामुद्दीन मरकज बोलते हैं। निजामुद्दीन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली में है। इसके बाद एक और है जिसे काकरेल मॉस्क ढाका बोलते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे तबलीगी जमाती मूवमेंट के लोग रहते हैं बांग्लादेश में। इट इज़ कंट्री हेडक्वार्टर, इसके कुछ सारे कंट्री का वाइज भी हेडक्वार्टर हैं। 200 कंट्रीज़ इससे कोऑर्डिनेट करती हैं। ये वॉलेंटियर लेती हैं, सेल्फ फंडिंग ग्रुप्स आते हैं जिन्हें जमात्स बोलते हैं, है ना। एवरेजिंग 10 to 12 पीपल, 10 से 12 लोग साथ में होते हैं जो इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं और अल्लाह की चीज़ों को प्रीच करते हैं। जमात का काम क्या होता है बेटा, ये खुद चलते हैं और इनके डिपेंड होता है कि ये 10 रात रहेंगे, 120 लगातार दिन चलेंगे जिसे 3 चिल्ला बोलते हैं, 150 दिन लगातार काम करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये अपने ढीले कपड़े पहनते हैं, स्लीपिंग बैग्स लेते हैं, मस्जिदों में रुकते हैं। इनके साथ 2 कुक्स रहते हैं, चंदेली मॉस्क के आसपास रहते हैं, फिर उनके नेबरहुड में जाते हैं, फिर डेली गश्त मारते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको कहते गाइड के हेल्प से फिर लोगों को समझाते हैं और मकरब प्रेयर में आने को बोलते हैं, मॉस्क में लाते हैं, 6 प्रिंसिपल्स जो हैं उनके बारे में बताते हैं, अटेंड करते हैं कि वो तबलीग में जाएं, सेल्फ रिफॉर्मेशन करें, प्रोपोगेशन करते हैं इस्लाम का। रेगुलर एक्टिविटीज़ ईटिंग स्लीपिंग ईटीसी होती हैं जो इनकी मॉस्क में चलती रहती हैं। 2018 में इसका सबसे बड़ा एक इजतिमा हुआ था, इजतिमा औरंगाबाद में हुआ था, जिसमें तकरीबन 4 मिलियन लोग आए थे। अभी तक का सबसे बड़ा है जिसको मौलाना साद खंडवानी ने वो किया था। इससे पहले एक और हुआ था जो रावंडी पाकिस्तान में हुआ था, जहाँ पे 1.4 मिलियन लोग आए थे। फिर यहाँ से इंतजाम को 2 पार्ट में बांट दिया गया, 1 मिलियन पीपल ही एक जगह अटेंड कर सकते हैं, ऐसी 2 इंतजाम उन्होंने कर दी। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, जैसे हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन वो इससे जुड़े थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रोविज़न पाकिस्तान के परवेज़ इलाही भी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मौलाना तारिक जमील प्रोमिनेंट मेंबर हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से मिलते हैं जमात के बारे में। पाकिस्तान के कई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे जिससे जुड़े हैं, जैसे साहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ़ और शकील मुश्ताक, इल्जामुल हक, मुश्ताक अहमद, शहीद अनवर, शहीद अहमद, मोहम्मद यूसुफ़, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। आजकल बेटा ये क्यों न्यूज़ में है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जमात आज न्यूज़ में बेटा इसलिए है क्योंकि इस जमात में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद नहीं होती तो हमारे देश के लिए बेहतर रहता, बट आपको पता है ऐसा बहुत कुछ हो गया। मौलाना ने क्या किया, एक रिलीजियस गैदरिंग इनकी चल रही थी निजामुद्दीन वेस्ट में। गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दे रखे थे कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी कोविड-19 के चक्कर में। तबलीगी जमात तब भी चल रहा था, ये चलता चला गया, तो इसके चीफ जो थे मोहम्मद साद खलवानी, इनके अगेंस्ट हमने कहा कि भैया आपने गलत किया, आउटब्रेक में ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस ने फिर इनके बारे में गैदरिंग मना करी थी, इन्होंने सुना नहीं, कॉन्ट्रिंग आउटब्रेक में इन्होंने काम किया। देखिए आपको पता था कोविड-19 फैल रहा है, आपको ये पता होने के बाद आपको इसको इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए था, और जो वहाँ की रेगुलर अथॉरिटीज़ थी आपको उनको जो वहाँ की रेगुलर अथॉरिटीज़ थी उनको आपको तुरंत बता देना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ इतनी क्राउड है, इसको आप सेफली अपने अपने घर पहुँचा दीजिए और इनकी स्क्रीनिंग कर दीजिए। आपने वो सारी चीज़ें पर्टिकुलरली डिनाई की और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, हमारे देश को। फिर भैया ये मोहम्मद साद हैं कौन, मौलाना साद साहब हैं कौन, कहाँ से आए भैया, कौन सी जाते क्या हैं, इतने एटीट्यूड में क्यों रहते हैं। तो ये पैदा हुए 1965 में और इनके ग्रैंड सर हैं किनके, मौलाना मोहम्मद इलियास, जिन्होंने तबलीगी जमात को फाउंड किया था। तबलीगी जमात की सोसाइटी, मिशनरी, सब कुछ है। प्रोफेट मोहम्मद की बात करते हैं, 1927 में स्टार्ट हुआ, फिर से वही बात आ गई। मौलाना अमीर जो हैं 1915 में तबलीगी जमात के हेड बने, मदरसा लोकेट हुआ, निजामुद्दीन इसका सेंटर बन गया।
इसके बाद बेटा क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने अपने आप को इसका हेड बना रखा है आज की डेट में। 56 साल के हैं तकरीबन। और सबसे बड़ी बात है कि इनके 3 बच्चे हैं और डॉटर हैं, तो ये डॉटर्स हैं। और मरकज़ में निजामुद्दीन बस्ती में इनका घर है, जिसे जाकिर नगर दिल्ली में, और एक कांडला यूपी में। मौलाना साद जो हैं तबलीगी जमात के हेड हैं। और इसके बाद 56 साल के हैं, इनके 100 करोड़ से ऊपर फॉलोअर हैं, 214 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। तबलीगी जमात जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मूवमेंट है। इसके मैक्सिमम फॉलोअर जो हैं साउथ एशिया में हैं। अब केस क्या है बेटा, दिल्ली पुलिस ने इन पर FIR डाली। किसके अंतर्गत, एपिडेमिक डिज़ास्टर एक्ट के अंडर। IPC की पिनल कोड इन पे लगेंगी, इन पे 307 भी लगेगी, 302 भी लगेंगी अगर ये डेथ्स ऐसे बढ़ती गई। और इसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने इनके नाम पर डॉक्टर जसीन, मुस्तीफ सहबाद, मोहम्मद आरिफ और सफाई, इन सब के नाम पर FIR लॉन्च कर रखी है। और इनको आने वाले, जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी पैंडेमिक, तो इन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा और इन पे हेयरिंग होगी। तबलीगी जमात में सबसे बड़ा शॉकिंग है कि आपको 100 करोड़ से ऊपर लोग अगर सुन रहे हैं, 1 करोड़, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ लोग सुन रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आप क्या स्टेटमेंट क्या देते हो। जब इनसे बोला गया कि आपने काम किया, तो इन्होंने कहा कि ये जो सैदान, ये जो लोग हैं, जो हमारी सरकार है, इसे एक अपॉर्चुनिटी बना रही है, और ये क्या कर रही है, हमको रिलीजियस ड्यूटी करने से रोक रही है, और किसके नाम पर, प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन के नाम पर। मतलब ये कह रहे थे कि जो हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, ये लोग हमें जानबूझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करने दे रही, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हम पर ब्लेम कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कितनी इडियोटिक स्टेटमेंट साद साहब ने दिए थे। तो ये किस तरह आपको हेल्प करेंगे। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जाओ, कई मुसलमानों ने बोल दिया जाओ हिंदुओं को ये बीमारी दो, ये करो। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, भले ही सोशल मीडिया के र्यूमर्स हों, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस्लाम के अगेंस्ट हैं। इस्लाम में सब लोग बुरे नहीं होते, बट ऐसी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम ही देती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 22 मार्च को देखा, शटडोर के अंदर अभी 2500 से ऊपर वर्शिपर्स थे, ठीक है, रिलीजियस गैदरिंग थी। 3 से मार्च तक जो कोरोना वायरसेस के सबसे बड़ा स्पाइक हमें दे गई। आज जो हमारे यहाँ कोरोना वायरस के केसेस में तकरीबन 1/3 किसने दिए हैं, इसने दिए हैं, TJ ने दिए हैं, तुगलकी जमात ने दिए हैं। और इस जमात के चक्कर ही में आज बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसे किस तरह लेते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारी सरकार कर रही है, जो हम कर रहे हैं, क्या वो सही है या वो गलत है? आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है या गलत है? आपके हिसाब से जो तबलीगी जमात के लोगों ने किया वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? राइट एंड रॉन्ग आप सोचिए, आप सोचिए, आप सब पे मैं सोचता हूँ कि साथ सही है कि गलत है। अगर वो सही लगते हैं आपको तो ठीक, अगर गलत लगते हैं तो ठीक, कमेंट बॉक्स पे डालिए। इस पे कल मैं आपको एक वाइल्ड लेक्चर दूंगा जिसमें इनके बारे में बात की जाएगी। थोड़ा हार्श होगा, मुसलमान इसके लिए बुरा ना माने, जो देश की हकीकत है वो हकीकत है। उसके बाद क्या इन्होंने सच में पैंडेमिक की सीरियसनेस को इग्नोर किया? ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बार बार इसके बारे में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं साथ साहब ने सही किया गलत किया इसका रिव्यू आप देंगे, मैं नहीं। या आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपने इतना लेक्चर समझा, आप देखिए कि सही है कि गलत है। तब तक के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, कल लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में अपने ओपिनियन दूंगा, ध्यान रखिएगा अपने दूंगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उनको देखकर कुछ बेहतर लेक्चर आपके लिए बना पाऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये लेक्चर आप सबके लिए है, आप इसे समझिए। प्लीज़ याद रखिए, जो साथ साहब कर रहे हैं, जो इस पैंडेमिक में मुस्लिम्स में तबलीगी जमालत के लोगों ने किया, जमात के लोग ने किया, उनसे आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। आपके आसपास कोई ऐसे रिलीजियस मीटिंग रिचुअल्स लोग कर रहे हो तो प्लीज़ पुलिस को बताएं, क्योंकि आज भी हमारी धरती पे बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, उन बेवकूफ़ों से हमें अपने देश को बचाना है। याद रखिए, आज मैंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट देखा था जिसमें देखा था चाइना कोरोना वायरस से इसलिए जीत गया क्योंकि उसे सिर्फ कोरोना से लड़ना था, और हमारे देश को कोरोना के साथ कुछ गधे बेवकूफ़ जाहिलों से भी लड़ना पड़ता है। और ये एक हकीकत है कहीं ना कहीं हमारे देश की। तो उन बेवकूफ़ जाहिल उजड़ लोगों को आप सामने रखें ताकि हम उनको समझा पाएं, कोरोना वायरस एक सीवियर पेंडेमिक है, इससे बचना हम सबके लिए ज़रूरी है। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल, होप आप हेल्दी रहेंगे, स्टे ब्लेस्ड, बी एट होम, डोंट मूव आउट बिकॉज दैट इज योर हेल्थ। स्टे ब्लेस्ड, बी एट होम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।